पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रिबेका को डॉक्टर हुलिया बार्टिस अपने घर पे बुला के बियट्रिस नाम की औरत से मिलवाती हैं। अब बियट्रिस रिबेका से बताती हैं कि मैं उस वक्त वहीं पे मौजूद थी जहां पे तुम तीनों का जन्म हुआ था। तुम तीनों के जन्म के बाद कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि तुम तीनों के ऊपर ये लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, साथ ही ये लोग हम तीनों को मार देंगे, जिसमें से मैं और एक रिबेका नाम की लड़की थी और तुम्हारी मॉम। हमने वहां से भागने का प्लान बनाया, साथ ही हमने एक टैक्सी भी बुलवाई। और जब हम लोग वहां से निकल रहे थे, मैं और तुम्हारी मॉम हम दोनों दो बच्चियों को लेकर टैक्सी में तो बैठ गए, पर रिबेका नाम की जो नर्स थी उन तीनों बच्चियों में से एक बच्ची उसके पास भी थी। वो लाख कोशिश करने के बाद भी टैक्सी में नहीं आ पाई और वहाँ का गार्ड उसे पकड़ के तुरंत ही वहीं पर मार देता है और हम लोग वहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर हुलिया बार्टिस उनकी बातों को काटते हुए कहती है कि तुमने एक्सपेरिमेंट बताया, किस तरीके का एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे वो लोग। बियट्रिस बताती है कि मुझे पता नहीं, पर उनके इरादे नेक नहीं थे। अगले शॉट में हम यूखेनियो को देखते हैं जो टमारा से पूछता है कि तुम्हारी बहन का कुछ पता मिला। टमारा बोलती है कि उस पे नजर रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। वहीं दूसरी ओर रिबेका ऑफिसर सोलाना से कहती है कि अब मैं उस हॉस्पिटल में जाऊंगी जहां पे हम तीनों का जन्म हुआ था। ऑफिसर सोलाना कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि वहां पर 30 साल पहले घटी घटना का कोई सुराग होगा। रिबेका कहती है कि पता करने का सिर्फ एक तरीका है कि हमें वहां पे जाना होगा। और अब रिबेका और ऑफिसर सोलाना उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं इस उम्मीद में कि शायद वहां पे कोई सुराग मिल जाए। और जब रिबेका अपनी कार में बैठती है तभी टमारा कॉल करके बोलती है कि हमें अभी मिलना होगा। अब रिबेका वहां से सीधा अपने घर पे जाके माँ को बियट्रिस की फोटो दिखा के बोलती है कि माँ आप इन्हें जानती हैं। उसकी माँ बोलती है कि बेटा मुझे ठीक से याद नहीं है। तभी उसके घर पे टमारा और एलेदा की मॉम आ जाती हैं। एलेदा की मॉम पिलार मंसेरा कहती है कि मुझे लगता है कि तुम तीसरी हो जिसका नाम रिबेका है। अगले शॉट में हमें रुखेलियो और लौरा को दिखाया जाता है। रुखेलियो कहता है कि मीटिंग में एलेदा काफी बदली बदली से नजर आ रही थी। तब लौरा कहती है रुखेलियो इस बात का पता लगाओ। रुखेलियो कहता है कि यकीन मानो वही कर रहा हूँ मैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें रेबिका को दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग बात ही कर रहे होते हैं। तभी इनको पता चलता है कि एलेदा का कोई जर्मन बॉयफ्रेंड था। साथ ही दो लोगों के बारे में और पता चलता है, बर्नार्डो और फेडरिको के बारे में। तब रिबेका पिलार से बोलती है कि हमें ह्यूमन बीटा हॉस्पिटल के बेसमेंट पे जाना है, क्या आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप हमें वहाँ तक पहुँचा सकें। पिलार बोलती है कि तुम्हारे सामने ह्यूमन बीटा हॉस्पिटल की प्रेसिडेंट बैठी है और मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। अब पिलार रिबेका ऑफिसर सोलाना का ह्यूमन बीटा हॉस्पिटल के बेसमेंट में पहुँचा देती हैं। रिबेका को उस बेसमेंट में एक फ़ोटो मिलती है जिसे देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और वो फ़ोटो अब हुलिया बार्टिस को दिखाती है। डॉक्टर हुलिया बार्टिस पूछती हैं कि अब ये कौन है। रिबेका बताती है कि हमें लगता है कि हम तीनों बहनें इस नाथसी लड़की के क्लोन हैं। साथ ही रिबेका वो फोटो दिखा के बोलती है कि इसमें जो जर्मन लड़का है क्या आप उसे जानती हैं। हुलिया बार्टिस बोलती है हाँ हम जानते हैं। साथ ही बार्टिस बताती है कि ये जर्मन नहीं ऑस्ट्रेलियन है, इसका नाम मार्कस है। और ये सुनकर रिबेका एकदम डिस्टर्ब हो जाती है जिसकी वजह से अब वो ड्रिंक लेना शुरू कर देती है। दूसरी ओर यूखेनियो के घर पे रुखेलियो और उसकी वाइफ सिंथिया ही होती है जो कि एलेदा तुर्खानों से मिलने की जिद करती है। और अब ये लोग बैठकर बातचीत करते हैं और साथ में ड्रिंक करते हैं। वही दूसरी ओर रेबिका भी ड्रिंक कर रही होती है जिससे कि टमारा थोड़ी सी ही ड्रिंक करती है लेकिन उसको बहुत ही तगड़ा नशा हो जाता है और वो अपने क्लब वाले फॉर्म में आके डांस करना शुरू कर देती है। और साथ ही रुखेलियो की वाइफ सिंथिया को टमारा किस भी कर लेती है जिससे कि वो लोग गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। अगले शॉट में हमें रिबेका को दिखाया जाता है जो कि नशे के धुत में उसी क्लब में जाती है जहां पे टमारा काम करती है। साथ ही वो दूसरी लड़की को टमारा समझ के कहती है कि यार तुम सही थी, हम दोनों क्लोन है किसी नासी लड़की के। उसके बाद वो यूखेनियो को कॉल करके बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरी बहन को क्यों मारा और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जिसे सुनकर यूखेनियो एकदम शॉक्ड हो जाता है। और वहीं से रिबेका को पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है। अगले दिन ऑफिसर सोलाना रिबेका को छुड़ाते हैं। तभी रिबेका को पियट्रिस का कॉल आ जाता है और वो रिबेका को अपने घर पे बुलाती हैं। अब ये लोग पियट्रिस के घर पे जाते हैं। ये लोग उनके घर पे पहुंचते हैं, उससे पहले ही वो बाइक वाला गुंडा वहां पे पहुंच के पियट्रिस को मार के वहां से निकल जाता है। और जब ये लोग पियट्रिस के घर पे पहुंचते हैं तो ये उनकी लाश देखते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें हुलिया बार्टिस को दिखाया जाता है और अब बाइक वाला गुंडा उनके घर पे पहुंच जाता है। और ये क्या, ये तो गुंडा नहीं बल्कि गुंडी है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि ऐसे ही वेब सीरीज़ एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए लाते रहें।